नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं और अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। चमोली में जनसामान्य की शिकायतों के निराकरण के लिए बनाए गए सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 1905 के सभी जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर दक्ष किया गया। इसी क्रम में बुधवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जनपद के L1 और L2 स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन के प्रभारी रविंद्र दत्त ने बताया कि जनता की सहूलियत और शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। उत्तराखंड का कोई भी नागरिक कई भाषाओं में सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1905 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी को जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए कि जनता को छोटी छोटी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय या DM ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, तो उनकी सुविधा के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी पहल करी है, जिसका नाम जो है सीएम हेल्पलाइन 1905 है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून सीजन में चारों धामों में यात्रियों की तादाद में भारी गिरावट देखने को मिली। मानसून सीजन केदारनाथ यात्रा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जहाँ इस साल 2.5 महीने में 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुँचे, वहीं मानसून सीजन के 2 महीने में मात्र 30,000 के आसपास यात्री ही केदारनाथ पहुँच पाए। पीक सीजन में प्रत्येक दिन 15,000 से 20,000 यात्री बाबा केदारनाथ में मत्था टेक रहे थे, लेकिन जैसे ही मानसून सीजन शुरू हुआ पूरी यात्रा की कमर टूट गई। आज भी आप देखेंगे तो वहाँ केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, जो आप यहाँ से लाइव देख पा रहे हैं। तो अभी मतलब जो है यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उस वैली में अभी हेलीकॉप्टर्स द्वारा भी कार्य प्रारंभ किया है और उसके चलते हेलीकॉप्टर से भी काफ़ी सारे लोग अभी जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये अभी जैसे ही यात्रियों की संख्या आती रहेगी, लेकिन ये संख्या जितनी भी आ जाए, हम लोगों के जो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऐसे कार्य हो गए हैं कि जिसके तहत हम लोग यात्रियों को जैसे उनकी परिक्रमा हेतु जो है वो वन वे सिस्टम्स कराने के लिए हमें पोजीशन में है। अप्रोच रोड हमने काफ़ी कुछ वाइड कर दिया है। बागेश्वर के दुगनागुरी में सनीति मेले का विधिवत समापन हो गया। समापन के मौके पर खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा रद्द कर दिया गया, जिससे भारी संख्या में उमड़ी भीड़ मायूस नजर आए। जिसके बाद मेले के समापन की घोषणा अल्मोड़ा बागेश्वर सांसद अजय टम्टा ने की। क्षेत्रीय जनता को पूरा विश्वास था कि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जरूर घोषणाएं करके जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एन मौके पर रद्द कर दिया गया। वहीं सांसद अजय टम्टा ने जनता को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया और कहा कि मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो क्षेत्र में आएंगे और जनता से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी को आना था और एक दो बार टेकअप करने का भी प्रयास किया, उड़ने का प्रयास किया, मगर बीच में कोटद्वार और इधर के पहाड़ के बीच में बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, बादल लगे हैं, विजुअलिटी नहीं है। बागेश्वर का या रंगली नागपुरी का क्षेत्र है, यहाँ पर हर वर्ष जो तीसरे वर्ष मेला लगता है, उस मेले में हमारे जो माँ नंदा भगवती समिति के नाम से यह जाना जाता है। पिथौरागढ़ के पांडे गांव में देर रात को एक व्यक्ति को करंट लगने का मामला सामने आया, जो घटना स्थल के बगल में ही एक होटल में काम किया करता था। मृतक के साथ वाले व्यक्ति ने बताया कि मृतक रात को शौच के लिए घर से बाहर निकला, जिसके बाद अंदर नहीं आया और उसी वक्त से ही क्षेत्र की लाइट भी चली गई। सुबह बिजली विभाग के कर्मचारियों ने व्यक्ति के शव को ट्रांसफार्मर के पास पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई है और विधिक कार्रवाई करने के बाद, पंचायतनामा करने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जिले में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडीसौड के पास सनियासो रमोला गांव ढिकियारा गाड़ में टिहरी झील में मलबा डंप किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के द्वारा कई नए डंपिंग जोन बना दिए गए और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात कर रहा है। कुछ जगहों को इन्होंने जो है बीच को चयन न करके गला जगहों का जो है उन्होंने चयन किया और उन जगहों पर जो है ये डंपिंग जोन बनाया, जहाँ पे कि 10 ट्रक मालमा भी नहीं आता है, ऐसी जगहों में इन्होंने डंपिंग जोन बनाया। और इस राष्ट्र राजमार्ग पे जो है जितने ये पानी का भी छिड़काव नहीं हो रहा है, पानी का छिड़काव भी कम है, धूली धूल सड़क में इतनी स्थिति खराब हो गई है कि लोग जो आगे वाली गाड़ी जाते हैं उसके पीछे से जो कोई दिखाई नहीं। टिहरी जिले में 6 अगस्त को कंगसाली में हुई मैक्स दुर्घटना में घायल बच्चों के परिजनों की मदद का बीड़ा उठाते हुए स्थानीय युवकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से 9,18,000 रुपए की धनराशि जुटाई है। मृतक बच्चों के परिजनों को 70% और घायलों को 30% धनराशि बांटी गई। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। 9,18,000 के समथिंग जो धनराशि पूरी हुई थी, उसमें 70% मृत
परिवारों को दिया गया था और 30% घायलों को, जिसमें कि घायल वालों को 27,000 कुछ रुपये की धनराशि दी गई थी और मृत परिवारों को 64,200 कुछ रुपये की राशि दी गई थी। लेकिन जो इनके माँ बाप हैं उनका न कोई सहारा रह गया, कुछ के बच्चे ऐसे हैं कि जो साहब जिंदगी भर भी जो ठीक नहीं हो सकते हैं, और जो जिनके बच्चे चले गए उनको परिवार को परिवार से एक एक आदमी को नौकरी दे दी जाए, जितने जो 15-16 परिवार हैं सबको जो है तो एक एक आदमी को जो है परिवार से नौकरी दे दी जाए, ये हमारी सबसे बड़ी। बागेश्वर जिले में लंबे समय से आतंक फैला रही गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद करने में सफलता मिल ही गई। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर गांगण क्षेत्र में गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की धमक से लोग दहशत में हैं। पिछले दिनों मुख्य बाजार के एक घर की सीसीटीवी फुटेज में गुलदार कैद हो गया था। गुलदार बरामदे से एक पालतू कुत्ते को भी उठा ले गया, जिसके बाद से ही आसपास के गांव में खौफ का माहौल था। करीबन एक हफ्ते से गांगण गांव में इसका आतंक चल रहा था और उसके बाद हमने जो है परमिशन ली और वहां का घेरा लगवाया, तो यहाँ सुबह 5:30 बजे ये जो है ट्रेन में आया है, तो उसको हम यहाँ ले आए हैं और अब डॉक्टर्स बुलाएंगे, चेकअप करेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। भेल में कार्यरत हिंद मजदूर समा यानी कि HMS के केंद्र स्तर के नेता BP ओझा भेल को हरिद्वार के सामुदायिक केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में भेल पहुंचे लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल भेल हरिद्वार के वरिष्ठ श्रमिक नेता और भेल हरिद्वार के BWU HMS के संरक्षक VP ओझा का एक गंभीर बीमारी के कारण आकस्मिक निधन हो गया था। आम जो हमारा कामगार है उसके वो हर दिल अजीज थे, हर मन प्यारे थे, हर लोग बाग उनको प्यार करते थे, क्योंकि वो हर मजदूर की जायज़ हक को लेने के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते थे। बहुत ही लोकप्रिय है, सबसे अच्छी उनकी गुणता मतलब क्वालिटी ये थी, कभी चेहरे पे गुस्सा नहीं आना, सबको लेके चलना, सर समस्या को सुनने के बाद पूरा समझने के बाद बड़े आराम से समस्या का समाधान करा दिया करते थे। कृषि यूनियन के संरक्षक थे, ऑल इंडिया भेल फेडरेशन के संरक्षक थे और हिंद मजदूर सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और 1996 से लगातार BHEL की संयुक्त समिति में भेल वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व करते रहे। हरिद्वार में छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। छात्र नेता शगुन छोत्रे ने बताया कि NSUI और ABUP धनबल का प्रयोग कर छात्र संघ चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इनको सत्ता में काबिज नेताओं और पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है। ताजा मामला हरिद्वार के कॉलेज का है जहां पर चुनाव स्थगित हो गया था। वहीं पुलिस को भी कड़ा रुख अपनाते हुए लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। अगले दिन बाहरी छात्र टावर पर चढ़कर विरोध करने लगे, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब उन लोगों ने शांति वाला एक छात्रों का गुट बनाया है जो कि भविष्य में अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखेगा। यहाँ पे प्रेस क्लब में जो मीटिंग रखी है, जो आप लोग सबको बुलाया, उसका मेन मुद्दा था कि हम कॉलेज के अंदर एक यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट संयुक्त छात्र मोर्चा ग्रुप बना रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित में होगा। अभी पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि कॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है बाहरी नेताओं द्वारा, बाहरी छात्र आते हैं, बाहरी नेता आते हैं, कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, उनमें वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं। जब कॉलेज के अंदर कोई छात्र आया तो वो छात्र है, उसके अंदर कभी कोई वैचारिक मतभेद नहीं हो सकते। हाँ, उसके मतभेद एक प्रबंधन और प्रचारक के द्वारा तो हो सकते हैं, लेकिन छात्र में आपस में क्या मतभेद। रुद्रप्रयाग से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने गुरु की सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। विकासखंड उखिमट के राजकीय हाई स्कूल जालमल्ला के नशेड़ी प्रधानाचार्य का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में अभिभावक से बातचीत हो रही है। प्रधानाचार्य विद्यालय के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र भूपेंद्र को चित्रकला प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए इंटर कॉलेज उखिमट ले आए थे। चित्रकला प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य के द्वारा छात्र को खाना खाने के लिए 100 रुपए दिए गए और इंतजार करने को कहा गया। 3-4 घंटे के बाद प्रधानाचार्य शराब के नशे में धुत होते हुए नजर आए और वहां पर हल्ला करने लगे। किसी तरह से छात्र दूसरी गाड़ी से घर निकल गया। वहीं जब छात्र घर नहीं पहुंचा तो अभिभावकों ने चिंता जताई और प्रधानाचार्य से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानाचार्य फोन पर अनाप शनाप बात करने लग गए। अब इस वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग भी कार्रवाई की बात कह रहा है। किसी की गाड़ी में बिठवा देते ना, वहाँ भी आप उसको घर भेज देते, वहाँ से आप चलो नीचे चले गए थे। क्या अब मैं तुम्हारी तुलिस करूँगा, तुमको ख्याल नहीं अपने बेटे का, मैं ना इतना काम करूंगा। तो आप किसी गाड़ी में बिठवा तो सकते थे उसको। मैं कल को नहीं आऊंगा, मेरी कॉलेज बंद होगी, मैं जो नहीं जय सुबह दूंगा, ठीक है ना। ना तो वो बच्चा कहाँ है, वो ऐसा बोलो ना, बच्चा कहाँ है। वो मर गया, जल चला गया, मर गया ना।
अच्छा क्या बात कर रहे हैं आप यार? ना तो आप मैंने कहा था आपसे कि मत भेजो मत भेजो। आपकी कोई औलाद है कि अगर जो हम आपकी औलाद के लिए कहेंगे वो मर गया, आप बोले वो बच्चा मर गया? तुमने ढूंढ खोज कर सकते हो उसकी? ढूंढ खोज हम दिन जब टाइम ओवर टाइम हो गया तो इसी के बात करनी थी। हमने कहा कुर्सी के साथ आ रहा होगा, या तो आप ही बोल देते कि आप अपने बाबा को लेके आना वहाँ पे। वो मर गया ना बच्चा? मेरा बच्चा भी मरेगा गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मर जाएगा हैं? मरेगा देखना, मैं बुरा होऊंगा तो मेरा बच्चा मरेगा। गुरु जी देखो बात सुनो, ऐसी गलत मैं नहीं आऊंगा, जाओ मैं नहीं आऊंगा। आप नहीं आएंगे तो 50 आएंगे, कुछ नहीं है जी। जी इस पर ये मेरे समझ में है, और इस पर खंड शिक्षा अधिकारी उखीमठ से आज रिपोर्ट मांगी गई है, और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है ऐसे ही, चूँकि वो प्रधान अध्यापक हैं और उनके ऊपर जो भी कार्यवाही की जानी है वो निदेशालय स्तर से की जाएगी माननीय निदेशक महोदय द्वारा, तो जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होती है हम सूत्रबंध को देहरादून निदेशालय को प्रेषित करेंगे। आज आपने देखी उत्तराखंड की क्या क्या खबरें थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।